प्रेमिका ने कॉल कर बुलाया तो प्रेमी बस में सवार होकर प्रेमिका के गांव पहुंच गया। रात 1:30 बजे घर में एंट्री की तो प्रेमिका के पूरे परिवार ने उसे घेर कर दबोच लिया। रात भर प्रेमी को टॉर्चर किया गया, पेशाब पिलाया गया। टॉर्चर से युवक की मौत हो गई तो डेड बॉडी हॉस्पिटल में पटक कर फरार हो गए। मंगलवार को प्रेमिका समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला बालोतरा जिले के सिणधरी थाना इलाके के गांव कोशलू का है। शनिवार सुबह 6:30 पर पुलिस ने डेड बॉडी बरामद की थी। मंगलवार को मामले का खुलासा कर दिया गया। सिणधरी थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया, बाड़मेर की नागाणा जांगुओं की ढाणी ग्राम पंचायत के ग्राम मुकेनाड़ियों की ढाणी में रहने वाला मगाराम उम्र 25 वर्ष, प्रेमिका जेठी उम्र 20 वर्ष के गांव कोशलू में ऑयल वेलपेट का काम यानी तेल के कुएं पर निगरानी का काम करता था। मगाराम और जेठी के बीच काफी समय से अफेयर चल रहा था। दोनों की फोन पर बातें होने लगी। इस दौरान मगाराम जेठी के घर में भी घुस गया। परिजनों ने उसे 1-2 बार पकड़ लिया, समझाया और मगाराम के घर वालों को उलाहना देकर छोड़ दिया। इसके बाद भी मगाराम ने जेठी से मिलना बंद नहीं किया। जेठी के परिवार वालों ने घर में CCTV कैमरे लगवा दिए। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार शाम 6 बजे जेठी ने मगाराम को फोन किया और रात में घर आने को कहा। मगाराम अपने गांव मुकेनाड़ियों की ढाणी में था। यहां से कोशलू की दूरी करीब 70 किलोमीटर है। उसने घर वालों को बताया कि वो ऑयल वेलपेट के काम से जा रहा है। वो शाम को गांव से बस पकड़कर रात तक प्रेमिका के गांव कोशलू पहुंच गया। इसके बाद देर रात 1 बजे के करीब वो जेठी के घर में घुसा। इस दौरान लड़की के परिजनों ने मगाराम को पकड़कर बंधक बना लिया। आरोप है कि जेठी के परिवार के 10-12 सदस्यों ने मगाराम को तार लाठी डंडों से बुरी तरह से मारा पीटा। आरोप ये भी है कि उसे पेशाब पिलाया गया। कई घंटे मारपीट के दौरान जब मगाराम ने दम तोड़ दिया तो आरोपी डेड बॉडी को सिणधरी हॉस्पिटल ले गए और बॉडी वहीं छोड़कर फरार हो गए। इस संबंध में मगाराम के चाचा खरथाराम ने शनिवार को सिणधरी थाने में जेठी समेत 9 लोगों के खिलाफ मर्डर का मामला दर्ज करवाया था। मगाराम के घर में माता पिता और एक भाई हैं। पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह 6:30 पर सूचना मिली थी कि कुछ लोग कोशलू गांव में एक युवक को पीट रहे हैं। पुलिस कोशलू गांव पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना किया तो वहां किसी संघर्ष, मारपीट या खून के सबूत नहीं मिले। आरोपियों ने सबूत मिटा दिए थे। ये पता चला कि युवक को पिकअप में रखकर सिणधरी हॉस्पिटल ले जाया गया है। थाने से एक टीम सिणधरी हॉस्पिटल पहुंची। वहां से पता चला कि डेड बॉडी को यहां छोड़कर आरोपी भाग गए हैं। इसी क्लू के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस की अलग अलग टीमों ने आरोपियों की तलाश की। सिणधरी पुलिस ने प्रेमिका जेठी उम्र 20 वर्ष, उसकी मां चूनी देवी उम्र 40 वर्ष, पिता चौथा राम उम्र 45 वर्ष, पुत्र रूपा राम ताजा राम उम्र 32 वर्ष, पुत्र मेघा राम खेराज राम उम्र 26 वर्ष, पुत्र रेखा राम माना राम उम्र 45 वर्ष, पुत्र हिम्मता राम को गिरफ्तार कर लिया। सभी लोग सिणधरी थाना इलाके के सड़ा झुंड गांव के रहने वाले हैं। बाकी 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया के निर्देशन में ASP धर्मेंद्र कुमार यादव, सिवाना DSP नीरज शर्मा, बायतू DSP गुमाना राम, बायतू और सिवाना के थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। DSP व साइबर टीम को भी बुलाया गया। FSL टीम MOB टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। दिनांक 27/7/2024 को सुबह 6:30 बजे पुलिस थाना सिंदरी पर एक इतला मिली कि ग्राम छड़ा झुंड में चौथा राम साई के घर पर एक व्यक्ति के साथ पूरी तरह से मारपीट की जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही मन थानाधिकारी में जाप्ता तुरंत मौके के लिए रवाना होकर के हालात उच्च अधिकारियों को निवेदन किए। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि चौथा राम साई व उसके 2 साथी मृतक मगा राम को लेकर के CSS सिंदरी की तरफ ट्रोले में गए हैं, जिस पर थाने से लजपत सिंह हेड कांस्टेबल में जाप्ता को CSS सिंदरी भेजा तो लजपत सिंह ने बताया कि 3 व्यक्ति एक ट्रोले में मृतक मगा राम को यहाँ लेकर आए और बेड पर लिटा करके मौके से भाग गए, जिस पर संपूर्ण हालात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालोत्रा को निवेदन किए। श्रीमान द्वारा मौके पर
मौके के लिए कुल एडिशनल एसपी साहब बालोत्रा, सीओ साहब सिवाना, सीओ साहब बायतू, एसएचओ बायतू, एसएचओ सिवाना को भेजा गया। वह जिला डीएसटी व साइबर टीम भी मौके पर आई। वह जोधपुर से एफएसएल टीम व एमओबी टीम भी आई। मौके से साक्ष्य एकत्रित किए गए। वह मृतक मगाराम के चाचा खरताराम द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर प्रकरण संख्या 147 दर्ज कर मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। ताबाद संपूर्ण घटनाक्रम के हालात मालूम करके अलग अलग टीमें गठित कर मुलजिमानों की तलाश पड़ताल से शुरू की गई। तो दौरान तलाश मुलजिम चौथाराम की पत्नी चुनी देवी, बेटी जेठी, मानाराम, खेराजराम व ताजाराम को दस्तयाब कर पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर जरीफ फर्द गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अन्य सरिक मुलजिमानों की तलाश पड़ताल से जारी है, जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। बालोतरा जिला मंडल हेड ओम प्रकाश गहलोत की रिपोर्ट।